नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में किसी तरह मिस्टेक से मेल की जगह फीमेल हो गया हो या फिर फीमेल की जगह मेल हो गया हो तो आप कैसे उसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप करके बतलाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले के पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड में जेंडर अपडेट करने के लिए सबसे पहले जो है कि अपना किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा इस तरह से, और ब्राउजर में टाइप करना होगा UIDAI। उसके बाद सर्च के बटन पर आपको क्लिक कर देना इस तरह से। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर में जो ये लिंक दिख रहा है UIDAI का, इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ओपन हो जाता है, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आधार कार्ड में जेंडर अपडेट करने के लिए आपको सबसे इस तरह से नीचे आना होगा, इस तरह से नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अपडेट डेमोग्राफी डाटा ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह के इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आधार कार्ड में क्या क्या अपडेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि नाम को अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं, जेंडर को अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पर लैंग्वेज दिया गया है तो लैंग्वेज अपडेट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये सारा चीज़ को अपडेट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए, यहाँ अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोसीड टू अपडेट आधार के बटन पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह के पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले जो है कि इस बॉक्स में अपना आधार नंबर को टाइप कर लेना होगा, और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसको रिफ्रेश करना होगा। इस पर क्लिक करके रिफ्रेश करना इस तरह से, कैप्चा कोड देखिए इस तरह से आ गया, और इस बॉक्स में कैप्चा कोड को फिलअप कर लेना होगा। तो चलिए आधार नंबर और कैप्चा कोड को फिलअप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो कि आधार नंबर और कैप्चा कोड को टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आपको सेंड ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाता है, और उस ओटीपी को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको टाइप कर लेना होगा। तो चलिए हम ओटीपी को टाइप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओटीपी को टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद एक लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह के इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपडेट डेमोग्राफी डाटा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह के पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है, और यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में अपडेट करवा रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पर देखने के आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है कि आपको इस तरह से नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए एक इस तरह से एक लिस्ट ओपन हो गया है, और इसमें जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो लैंग्वेज दिया गया है तो लैंग्वेज को आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया गया नाम, तो यहाँ पे आप जो है कि नाम को चेंज कर सकते हैं लाइफ में दो बार। जेंडर दिया गया है, जेंडर को लाइफ में आप एक बार चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ को आप लाइफ में एक बार चेंज कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं महीना के ऊपर। और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, पर ये दोनों जो है कि यहाँ से अपडेट नहीं होगा। इसको अपडेट करवाने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र में जाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें चेंज करना है क्या, तो जेंडर। तो जेंडर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कि आपको यहाँ पर देखिए प्रोसीड का एक बटन दिख रहा है, प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर डियर रेसिडेंट एक पेज ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले जो है कि इस बॉक्स पे टिक आउट कर देना होगा इस तरह से। टिक आउट करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोसीड का बटन, इस पर क्लिक करना होगा इस तरह से। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आधार कार्ड में जो भी आपका पुराना जो जेंडर था वो जेंडर जो इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी आपका जो पहले आधार कार्ड में जेंडर क्या था मेल की फेमेल, तो यहाँ पर देखिए मेल था, सिर्फ मेल यहाँ पर दिख रहा है। और अभी जो है कि आप फेमेल करना चाहते हैं, तो फीमेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है मेल का, फीमेल का, और यहाँ पे दिया गया है अगर आप मेल और फीमेल नहीं है दूसरा है तो आपको इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ से चलिए फीमेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रीव्यू का एक बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी जो नया अपडेट किए हैं आधार कार्ड में जेंडर को, तो यहाँ पे देखिए फीमेल इस तरह से देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिलअप कर लेना होगा। तो चलिए फिलअप कर लेते हैं, इस तरह से देखिए टाइप कर लेते हैं पहले कैप्चा कोड को। देखिए यहाँ पे टाइप करना है तो टाइप कर लेते हैं इस तरह से। देखिए देखिए टाइप कर लें, टाइप करने के बाद जो है कि आपको यहाँ सेंड ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों जो भी अब आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाता है। और उस ओटीपी को आपको क्या करना होगा, तो इस बॉक्स में टाइप कर लेना होगा। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ओटीपी को टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक बॉक्स दिख रहा होगा इस बॉक्स पे टिक आउट कर देना इस तरह से। टिक आउट करने के बाद आप जो है मेक पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ दोस्तों आपको पेमेंट करना होगा टोटल कितना रुपया, तो आपको यहाँ पे 500 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड। और दूसरा ऑप्शन दिया गया कि नेट बैंकिंग से। और तीसरा ऑप्शन दिया गया वैलेट मनी से। और यहाँ चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर पेटीएम से। यानी यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन से जो है कि जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ से वैलेट पर क्लिक करते हैं इस तरह से। वैलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है, फोन पे का ऑप्शन आ जाता है, पेटीएम का ऑप्शन आ जाता है, फ्री रिचार्ज का ऑप्शन आ जाता है, ओला मनी का ऑप्शन आ जाता है, यस पे वैलेट का ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पे फोन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा इस तरह से। और उसके बाद देखिए दोस्तों इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। और इस बॉक्स में जो है कि अपना फोन पे नंबर को टाइप कर लेना होगा। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने टाइप करें, टाइप करने के बाद जो है कि आपको क्या करना होगा, सेंड ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। और इस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाता है। और उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेना होगा। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने ओटीपी को टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद लॉगिन का बटन दिख रहा है, लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है इस तरह से। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है कि आपको यहाँ पे देखिए भीम यूपीआई के ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ अगर डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो सेव कार्ड के बटन पे क्लिक करते हैं। तो जो भी आपके पे फोन के साथ जो भी एटीएम कार्ड सेव है उस आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, CVV लास्ट का CVV नंबर हो जाता है 3 डिजिट का, इसको आपको टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद पे के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप नया एटीएम से कटवाना चाहते हैं पैसे को, तो आपको क्या करना होगा, ऐड न्यू कार्ड के बटन पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद जो कि आपको यहाँ पे देखिए एटीएम कार्ड नंबर, वैलिड नंबर जो होता है उसको, उसके बाद CVV नंबर को टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे हम कटवाने वाले हैं भीम UPI। तो भीम UPI पे क्लिक करना है। उसके बाद जो कि देखिए सबसे नीचे यहाँ पे का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टाइम यहाँ पर ओपन हो जाता है इस तरह से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना पे फोन के ओपन कर लेना होगा। तो चलिए हम पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं इस तरह से। देखिए और यहाँ पे देखिए दोस्तों 50 रुपये का रिक्वेस्ट जो है इस तरह से यहाँ पे चल आता है। तो सबसे पहले जो है कि आपको क्या करना होगा, पे के बटन पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद जो कि UPI नंबर आपसे पूछेगा, और वो जो है कि आपको टाइप करने के बाद जो कि यहाँ से पेमेंट जो है कट जाएगा यानी सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड का रिसीविंग जो है आपको मिल जाएगा, उसमें आपका URN नंबर लिखा हो रहा था, उससे आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर या फिर आधार नंबर से भी आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि मेरा जो है कि आधार कार्ड में जेंडर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप अपना आधार कार्ड में जेंडर को जो है कि अपडेट कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीका से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा।